आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुणे मेट्रो के बारे में। पुणे में स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड अर्ली 2000 से ही थी। पहले स्काई बस, फिर मेट्रो की प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ और लगभग पिछले एक साल से पुणे मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, ट्रायल रन भी हो गया है। इसके बावजूद भी अभी तक पुणे मेट्रो को पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला गया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन के साथ पुणे इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटी में से एक है। पुणे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भरमार के साथ साथ ये आईटी हब और ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो पुणे में रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत अर्ली 2000 से महसूस की जा रही थी। शुरुआत में पुणे में स्काईबस मेट्रो चलाने की बात हुई। इसे कोंकण रेलवे के द्वारा डेवलप किया जाता, लेकिन 2004 में स्काईबस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो स्काईबस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के बाद पुणे में मेट्रो की प्लानिंग शुरू हुई। डीएमआरसी के द्वारा 2008 में पुणे मेट्रो का डीपीआर बनाया गया और डीपीआर बनने के 4 साल बाद यानी कि जून 2012 में पुणे मेट्रो को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और उसके लगभग 4.5 साल बाद यानी कि 7 दिसंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला पुणे मेट्रो को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 24 दिसंबर 2016 को पुणे मेट्रो के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं पुणे मेट्रो का रूट मैप। लाइन 1, जिसे पर्पल लाइन भी कहा जाता है, ये पीसीएमसी भवन से स्वर्ग गेट तक का सेक्शन है। इस लाइन की लेंथ है 16.59 किलोमीटर और इस कॉरिडोर में टोटल 14 मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो पुणे मेट्रो का लाइन 2, जिसे एक्वा लाइन भी कहा जाता है, ये रामवाड़ी से वनाज तक का सेक्शन है और इस सेक्शन की लेंथ है 14.66 किलोमीटर और इस कॉरिडोर में टोटल 16 मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं पुणे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद फरवरी 2017 में महामेट्रो के द्वारा पुणे मेट्रो के लाइन 1 के एलिवेटेड वायाडक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स इनवाइट किया गया। एलिवेटेड वायाडक्ट कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जबकि एलिवेटेड स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला HCC अल्फरा को। हालांकि स्लो कंस्ट्रक्शन के लिए बाद में HCC से छिनकर इसे सापुरजी पालोनजी को दे दिया गया। 3 जनवरी 2021 को PCMC भवन से फुगेवाड़ी तक लगभग 6 किलोमीटर के सेक्शन में ट्रायल रन भी किया गया। लाइन 1 के अंडरग्राउंड सेक्शन में टाटा प्रोजेक्ट्स और जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो पुणे मेट्रो में लाइन 1 के बाद लाइन 2 का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ अगस्त 2017 में। लाइन 2 यानी कि वनाज से रामवाड़ी सेक्शन में वनाज से सिविल कोर्ट तक एलिवेटेड वायाडक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अगेन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिल गया, जबकि सिविल कोर्ट से रामवाड़ी तक एलिवेटेड वायाडक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। और जुलाई 2021 में वनाज से गरवाड़े कॉलेज तक लगभग 5 किलोमीटर के सेक्शन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ट्रायल रन भी कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं पुणे मेट्रो का प्रेजेंट स्टेटस। तो अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो लाइन 1 और लाइन 2 में प्रायोरिटी कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। ट्रायल रन भी अलग अलग सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जा चुका है, लेकिन कोविड पैंडमिक के कारण इसे अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। जनवरी के लास्ट में ही इसे पब्लिक के लिए ओपन करने की तैयारी थी, लेकिन अब लग रहा है कि फरवरी 2022 में पुणे मेट्रो को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। अभी 2 कॉरिडोर रेडी है ऑपरेशन के लिए। लाइन 1 में PCMC से फुगेवाड़ी तक
और लाइन 2 में वनाज से गरवारे कॉलेज तक। दोनों सेक्शन में उम्मीद है कि फरवरी में ही मेट्रो की सर्विस पब्लिक के लिए शुरू कर दी जाएगी।